अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट को ये पर्सनल मैसेजेस आए हैं उनके नंबर्स पे कि डियर एप्लीकेंट यानी जो भी एप्लीकेशन देने वाले हैं कि यूएस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय सिक्योरिटी कमेटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, यानी एफएससी प्री मेडिकल प्रॉपर सर्टिफिकेट डिटेल्स मार्कशीट नॉट अटैच और किसी के पास आया है, किसी के पास ये मैसेज है, वो भी मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे ये पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं। कल एक स्टूडेंट को ये भी मैसेज आया था कि डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय सिक्योरिटी कमेटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, सीएनएसई डॉक्यूमेंट्स इज नॉट विजिबल रीडेबल, तो प्लीज़ कंटेक्ट द फॉलोइंग फोकल पर्सन टिल 16 दिसंबर 2022 टू फाइल ग्रेवेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन। नंबर्स भी लिखा हुआ है और उनके कॉलेजेस का नाम भी लिखा हुआ है और नंबर भी। तो ये क्या मसला आ रहा है सब स्टूडेंट के साथ? तो कल मैंने एक स्टूडेंट से भी पूछा, वो कह रहे हैं कि हमने कॉल की है तो वो कह रहे हैं कि आपके सीएनएसई जो है ना आपकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से है। और कुछ ये भी है प्रॉब्लम्स के जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स, हालांकि वो उनके नोटिस में भी लिखा हुआ था कि आपने डॉक्यूमेंट्स वही लगाने हैं जो अटेस्टेड हो, तो एक तो स्कैन नहीं थे और अटेस्टेड नहीं थे, तो वो वहाँ जांच पड़ताल में थोड़ा मसला आया है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है। और कुछ मसला इस वजह से हुआ है कि जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल है ना वो उसका लगाया है, तो उसमें जो प्रॉपर सर्टिफिकेट डिटेल है ना मार्कशीट वो अटैच नहीं की है, यानी उस पर एफएससी के उन्होंने लिख तो दिया कि एफएससी है, लेकिन उसकी जो नंबर्स की शीट्स है ना रिजल्ट कार्ड वो अच्छे तरीके से उनके पास शो नहीं हो रही या अटैच सही नहीं लगाई है, तो कुछ ये प्रॉब्लम्स है। तो इसका कोई मसला नहीं, आप 16 दिसंबर तक रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद फिर आपकी कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये 16 दिसंबर उन्होंने टाइम दिया है सब स्टूडेंट को, सबके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में मसला आया, क्योंकि पहली मरतबा सब स्टूडेंट ने अप्लाई किया ऑनलाइन। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो उनको उनके जिस कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया है, लाहौर अप्लाई किया है, फैसलाबाद, भावलपुर, जहाँ भी अप्लाई किया है, तो वहाँ कॉलेजेस के अंदर उनको बुलाया जा रहा है, ना कि उनको फैकल्टी के अंदर। तो ये सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए, मौका है कि वो वहाँ आप जाके अपने जो डाउट्स हैं ना क्लियर करें, तो ताकि 16 दिसंबर तक ये आपके जो एडमिशन्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शिकायत वो ख़त्म हो सके, ताकि 16 दिसंबर को उनके पास ये सारी डिटेल पहुँच जाए PMF के पास, तो इसके बाद आपकी कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। ये नहीं आप 17 दिसंबर को चले जाएं कि हम नहीं आ सके, हमारा ये मसला था, फिर आपका कुछ नहीं सुना जाएगा। उसके बाद 20 को उम्मीद है, 20-22 को आपकी ये मेरिट लिस्ट लग भी जाए, क्योंकि 5-6 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये आपके सारी डिटेल्स इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ आपकी ही कुछ रीज़न थी इस वजह से ये डिले हो गई है, अभी तक भी ये जान पड़ताल हो रही है। तो अभी यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। तो इंशाल्लाह कोई भी आपको मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।